यस फ्रेंड्स, तो अब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम भी सेमी फिक्स्ड कॉस्ट की तरह, इसमें अलग अलग रेंजेस दी हुई हैं नीचे। तो देखें, द कोलंबस हॉस्पिटल ऑपरेट अ जनरल हॉस्पिटल बट रेंट स्पेस एंड बेड्स टू सेपरेट एंटिटी फॉर स्पेशलाइज्ड एरिया सच स्किन पेडियाट्रिक मैटरनिटी साइकेट्रिक एंड सो ऑन। कोलंबस चार्जेज ईच सेपरेट एंटिटी फॉर कॉमन सर्विसेज टू इट्स पेशेंट सच एज मील्स एंड लॉन्ड्री एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सच एज बिलिंग कलेक्शन एंड सो। स्पेस एंड बेड रेंटल्स आर फिक्स्ड फॉर द ईयर फॉर द एंटायर ईयर एंडेड June 3, 1983। द स्किन डिपार्टमेंट एट कोलंबस हॉस्पिटल चार्जेज ईच पेशेंट ऑन एन एवरेज 65 रुपीज पर डे। अंडरलाइन करेंगे, ये कलेक्शन हो गया पर डे का। हैड अ कैपेसिटी ऑफ 60 बेड्स ऑपरेटेड 24 आवर्स पर डे फॉर 365 डेज एंड अ रेवेन्यूज ऑफ रुपीज दिस मच। ये रेवेन्यू वाले पोर्शन पे अंडरलाइन करें। एक्सपेंसेस चार्ज बाय हॉस्पिटल टू स्किन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर June 1983 are in table A। ये खर्चे हॉस्पिटल ने चार्ज किए हैं। The only personnel directly employed by the skin department are supervising nurses, nurses and assistant। The hospital are minimum personnel requirement based on total annual patient days। Hospital requirement of persons are given in table B। Okay। Annual salaries दे रखी हैं। कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पेशेंट डेज। इस क्वेश्चन में जो है, एक मतलब कहते ना, एक बिल्डिंग बना दी और उसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमने किराए पे दे रखे। तो जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब जैसे स्किन पेडियाट्रिक्स, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके लिए छोटे छोटे से नर्सिंग होम बन गए। तो उनके लिए जो रिसेप्शन होता है, जो खाने का एवरीथिंग, वो सारा खर्चा जो बिल्डिंग वाला होता है वो करता है। जो टेक्निकल होता है, जैसे नर्सेज, डॉक्टर्स, ये जो है, ये उस डिपार्टमेंट को अपना अलग से अपॉइंट करना पड़ता है। अब आपको ये बताना है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए चाहिए होता है हमें फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा और फिक्स कॉस्ट इसमें से क्या है, ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो खर्चे पेशेंट के हिसाब से होते हैं, जैसे डाइटरी है, लॉन्ड्री है, लेबोरेटरी है, फार्मेसी है, ये खर्चे तो पर पेशेंट पे होते हैं, हर पेशेंट पे अलग अलग खर्चे होते हैं। और जो खर्चे बेड कैपेसिटी पे होते हैं, वो खर्चे आपके फिक्स्ड होते हैं। क्यों? रेंट है, वो तो फिक्स देना है आपको। जेनिटोरियल है, फिक्स देना है। जनरल सर्विसेज हैं, फिक्स्ड हैं। अदर एक्सपेंसेस, वो भी फिक्स्ड हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर एरिया वाइज और बेड कैपेसिटी के हिसाब से है, ये हमारे फिक्स्ड नेचर के होंगे। और जो एक्सपेंसेस विच आर ऑन नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट, आप बता सकते हैं कैसे निकलेगा? अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। यहां पर आपको मैंने ये अंडरलाइन करा था ना, रेवेन्यू टोटल कितनी है, बस आपको समझ में आ गया।
टोटल रेवेन्यू वो है हमारी 1,38,800 और रेवेन्यू पर पेशेंट कितनी है एग्जैक्टली, एक बंदे से हम 65 रुपीज कमाते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट निकल आएंगे 1,38,800 डिवाइडेड बाई 65, ये कितने आएंगे? इनको डिवाइड करो, ये 17,520 पेशेंट निकल आए। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? 2,68,800। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर पेशेंट कितना होगा? 2,62,800, ये आपका आएगा 15 रुपये पर पेशेंट। तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट मिल जाएगा 65 माइनस 15, 50 रुपये पर पेशेंट। बस अब आप देखिए ताला कहाँ से खुला, ताला यहाँ से खुला। इसके बाद का काम आप जानते हैं, बड़ा इजी काम है, वो है स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर लिखेंगे हम रेंजेस, हमको अलग अलग रेंजेस दी होंगी, देखें कितनी रेंजेस हैं। हमारे पास है 6 रेंजेस एनुअल पेशेंट डेज की। पहली रेंज है हमारी 10,000 से 14,000, 14,000 एक से 17,000, 17,000 एक से 23,725, 23,726 से 25,550, 25,551 से 27,375 एंड 27,375 से 29,200। ये हमारी अलग अलग रेंजेस हैं। हर रेंज की फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? हर रेंज की फिक्स कॉस्ट होगी 5 लाख रुपीस। हर रेंज की फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें हर रेंज में सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए यहां पर हमें दिया है नंबर ऑफ असिस्टेंट कितने चाहिए, नर्सेस कितने चाहिए एंड सुपरवाइजी वो कितने चाहिए, सुपरवाइजिंग नर्सेस कितने चाहिए। तो जो चाहिए है उनको लिख दें। देखिए असिस्टेंट कितने चाहिए है, असिस्टेंट चाहिए है 21, वाइस 30, 35, 40, 40। नर्सेस कितनी चाहिए? नर्सेस चाहिए 11, 12, 16, 18, 18, 20। सुपरवाइजिंग नर्सेज कितनी चाहिए?
चार चार, 10 और फिर 15 चाहिए। इनकी सैलरी दे रखी है हर एक की, तो जो सैलरी दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे इसकी सैलरी है 5,000, इसकी सैलरी है 10,000 और इसकी सैलरी है 20,000। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी मेरी, देखिए कितनी होगी। ये होगी 1,10,000 और ये होगी 1,05,000, तो 2,15, तो ये आएगी 2,95 और 7,95। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है हमको कितना, 50 रुपये। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 15,900। और 15,900 होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लॉस इनकर्ड कर रहे हैं। क्यों, 14,000 ही है हमारी, तो ये हमारा लॉस है यहाँ पर। इसके बाद ऐसे ही सब में कर ले, मल्टीप्लाई करें। इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका 8,10,000, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 16,200। तो हम यहां पर बीईपी पर पहुंच जाएंगे। इसमें करेंगे तो ये आएगा 10,10,000, 50,000, 20,200, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 11,55,000, 50, 23,100। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो 23,100 है, हमारी जो ब्रेक इवन रेंज स्टार्ट हो रही है वो 23,626 से हो रही है, यानी कि यहां पर हम प्रॉफिट में होंगे। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये कितना है, 11,80,000, 50, 23,600, ये प्रॉफिट में, और ये 12,50,000, 24,000, तो ये प्रॉफिट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने ब्रेक इवन पॉइंट रेंज बनाई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने डैश डैश कर रहा हूँ, बट आपने मल्टीप्लाई करके ही बताना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।